इसको जूम करिएगा, कुछ नहीं बेटा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये देखिएगा, इसके 9 ऑपरेशन हुए हैं इस बच्चे के। तो गांठ कहाँ हो गई थी? यहाँ पे, इस पे, यहाँ थी गांठ। ओके, तो ये यहाँ पर भी ऊपर भी है कुछ? हाँ, यहाँ लैटिंग का रास्ता बनाया था। थोड़ा दिखाना, थोड़ा उसको नहीं दिखाना क्यों? इन्होंने लिखा है कि इन्होंने डॉक्टरों से रिपोर्ट करवाई तो आंतें गली हुई आई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। इन्होंने ऑपरेशन करवाने से पहले बिशप अमरदीप जी से फोन पर प्रार्थना करवाई। अब ऑपरेशन से उस बच्चे की आंतें बदल दी गई हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ते मैं बेटे की गवाही देन आई हाँ। तो मेरे बेटे नो जवाब मिल चुके से सब पासों। तो मेरे बेटे के 9 ऑपरेशन होए ते लास्ट ऑपरेशन करी कहते भी मेरे बच्चे तो जयपुर भर्ती करना है, रेफर कर दिता। असं 2 महीने भर्ती रहे तो सानू रेफर कर परमेश्वर अगर प्रार्थना की, चर्च तू प्रार्थना कराई। तो इतने कालजे ते मेरे बेटे दे एड्डी गंढ सी, 2.5 घंटिया का सफर सीगा साडा। तो 2.5 घंटिया के बच्चे वो एड्डी गंढ प्रार्थना नाल सब सही हो गई। नहीं नहीं फिर तो दसो कि नहीं गंढ गांठ कहाँ पर थी? 9 ऑपरेशन करा के इसके 9 ऑपरेशन हुए छोटे बच्चे के। जूम करिएगा, कुछ नहीं बेटा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये देखिएगा, इसके 9 ऑपरेशन हुए हैं इस बच्चे के। तो गांठ कहाँ हो गई थी? यहाँ पे, इस पे, यहाँ थी गांठ। ओके, तो ये यहाँ पर भी ऊपर भी है कुछ? हाँ, यहाँ लैटिंग का रास्ता बनाया था। थोड़ा दिखाना, थोड़ा उसको नहीं दिखाना क्यों? तो यहाँ पर ये लैटरिन का रास्ता बनाया था। यहाँ पे, तो यहाँ पर वो जो पल्ली साइड है वहां पर लैटरिन का रास्ता बनाया था। लैटरिन 1 साल से लैटरिन यहीं से आ रही थी। 1 साल से लैटरिन यहाँ से आ रही थी। देखो छोटा बच्चा, 9 ऑपरेशन, लैटरिन के लिए गांठ जो रास्ता था पेट के ऊपर से बना हुआ है। और गांठ कहां पर हो गई थी फिर? यहाँ पर गांठ हो गई थी। सही से हाथ बताओ, लाइव चल रहा है। इतनी बड़ी गांठ, इतनी बड़ी गांठ। लास्ट ऑपरेशन किया था जिसका लैटिंग वाली नाल नीचे घुमाई थी, उसकी वजह से यहाँ पे गांठ बन गई। ओके, गांठ बन गई तो वो बोले जवाब बोल, जवाब दे दिए। वो बोले जयपुर ले जो। हम 2 महीने लगातार हम बैठे रहे बीकानेर में, तो वहाँ पे हमें जवाब मिल गया। फिर हमने परमेश्वर से यहाँ पे प्रार्थना कराई, कुलदीप भाई जी उसके द्वारा हम प्रार्थना कराई। तो यहाँ 2.5 घंटे में मैं बोला परमेश्वर जी मैं अब जयपुर नहीं जाऊंगी, मुझे घर जाना है। 2 महीने हो गए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। 2 महीने हॉस्पिटल में रहे? हाँ, मैं लगातार 2 महीने हॉस्पिटल में रहे लगातार। मैं 31 दिसंबर को गई थी और 3rd महीने की मैं लास्ट तारीख पे आई थी। तो वहाँ मैं परमेश्वर बोली मैं अब तेरे पे विश्वास करके मैं घर ले जा रही हूँ। इसकी 2.5 घंटों का सफर था हमारे घर से। तो आपके घर से बीकानेर का सफर 2.5 घंटे हॉस्पिटल का सफर 2.5 घंटे का था। 2.5 घंटों में इसकी गांठ एकदम सही हो गई। नहीं, 2.5 घंटों में जब आप रास्ते में थे तो रास्ते में गांठ सही होगी। रास्ते में गांठ अपने आप सही होगी। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं, 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 परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं।
करते हैं। छोटे से बच्चे के 9 ऑपरेशन हुए, यहां से नाड़ी निकली बाहर, यहां से नाड़ी निकली बाहर। ये बच्चे की फोटो है उस समय की, दिखाओ इसको। मैं चाहता हूं सब लोग अपना हाथ इस बच्चे की ओर बढ़ाएं, सब लोग वहां से जितने लायक हैं वो भी अपना हाथ इस बच्चे की ओर बढ़ाएं, इसकी अच्छी सेहत के लिए और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। जीते परमेश्वर पिता, आज इस बच्चे को हम आपके हाथों में अर्पण कर देते हैं। ये बच्चा जीवन भर आपका बना रहे, ये बच्चा जीवन भर आपका बना रहे और जीवन भर आपकी इच्छा को पूरी करें। हे परमेश्वर मसीह जी, इस बच्चे की उम्र को, आयु को लंबा करें, इस बच्चे की आयु को लंबा करें। आज के बाद कोई भी बीमारी तंग ना करे, कोई भी दुष्टात्मा से तंग ना करे। परमेश्वर पिता इस बच्चे पर दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर मसीह जी। और सब लोग कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 9 ऑपरेशन हुए बच्चे के, 9 ऑपरेशन, 9 ऑपरेशन हुए बच्चे के। छोटा सा बच्चा ही था, 2 महीने हॉस्पिटल में ही बैठे रहे। वो आत्मा है परमेश्वर जो चलाई देने वाला है। अनुग्रह से, प्रभु की दया से प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, प्रभु ने इतना बड़ा काम किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद।